नमस्ते फ्रेंड्स, कुक विद क्लासी रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ग्रीन गोभी आलू की रेसिपी दी है और ग्रीन पुलाव की भी रेसिपी दी है, उसी तरह से आज मैं ग्रीन मटर आलू की सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जार में धनिया की पत्ती डालेंगे, एक कटोरी के लगभग है। लहसुन डालेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार या स्वाद के अनुसार। 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ली है। इसमें लाल मिर्ची का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने ज़्यादा ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। अब इसको थोड़ा पानी के साथ पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पीस चुका है मसाला। अब बनाना देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर लिया हुआ है ताकि झटपट से बन के तैयार हो जाए। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, 2 बड़ा चम्मच या आप अपनी आवश्यकता अनुसार। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ते और साथ में डालेंगे जीरा। जीरा पकने के बाद डालेंगे प्याज। प्याज पक चुकी है। अब हम इसमें जो ग्रीन मसाला पीस के रखा था वो डाल देते हैं। का थोड़ा जार धो के पानी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ना ही हल्दी डालेंगे, ना ही लाल मिर्ची डालेंगे और ना ही पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें धनिया और हरी मिर्ची का अपना ही फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। एकदम सादा सब्जी है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। मसाला भून लेते हैं और साथ में मटर भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 छोटी कटोरी मटर ली हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब ये डाल के पका लेते हैं, थोड़ा भूंज लेते हैं और साथ में नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। फ्रेंड्स, यदि आप हल्दी मिर्ची डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, पर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। फ्रेंड्स, आलू और मटर भुन चुके हैं। अब थोड़ा सा हींग डालेंगे ताकि हींग का भी फ्लेवर अच्छा आ जाए। मैंने पहले इसलिए नहीं डाली कि वो तेल में थोड़ा जल्दी से जल जाती है, फ्लेवर उतना अच्छा आता नहीं है, इसीलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए अब एकदम परफेक्ट भून चुकी है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी फ्रेंड्स इतना डालेंगे कि सब्जी लेवल तक रहे पानी से। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, फिर आवश्यकता अनुसार बाद में पानी डाल देंगे पकने के बाद। चलिए अब इसको सीटी आने तक पकने देते हैं। इसमें 1 सीटी आने देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम कुकर को खोल के देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा पानी और डालेंगे। बाकी मटर और आलू पक चुके हैं बहुत अच्छे से। मैंने इसमें 1 सीटी ही लगाई थी और आलू पक गए थे। थोड़ा पानी और ऐड करके उबाल लेते हैं अच्छे से। बस अब ये पकेगी तो थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी। और इसको पकने देते हैं। साथ में थोड़ा 2 चुटकी गरम मसाला और थोड़ा अभी कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल देंगे और इसको पकने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन के तैयार है। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। देखा आपने, ना ही इसमें कोई टमाटर डाला है, ना ही कोई और हल्दी मिर्ची मसाले डाले हैं। एक सादा ही सब्जी बन के तैयार हुई है, पर इसका स्वाद इतना टेस्टी है कि कुछ कह नहीं सकते।
तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से और सादा मसालों से ही बनके तैयार है ग्रीन मटर आलू की सब्ज़ी। इसमें हमने कोई ना ही टमाटर डाले हैं और ना ही कोई खटाई डाली है, अमचूर पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अपने सादा से रोज के मसालों से, धनिया और मिर्ची से ही बनाई है सब्ज़ी। आप बनाइए और स्वाद लीजिए, फिर बताइए कैसी लगी। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही नई कोई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।